गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सीएलसी फिर जिसको क्रैश कोर्स नाम दिया गया है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास पहुंचाने वाले हैं अपने तो शुरू करते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्जिलियस ठीक है ऑर्गेनिक वर्ल्ड वॉज फर्स्ट गिवेन बाय वर्जिलियस ठीक है डियर वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज गिवेन बाय वर्जिलियस और आप इसको देख सकते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज गिवेन बाय वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज प्लांट और एनिमल ठीक है ठीक है डियर तो ये एक पिक डाल रखी है ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लैब इज यूरिया बाई अमोनियम साइनाइट एंड इसको किसने बनाया था फ्रेडरिक वोलर पूरा नाम क्या है फ्रेडरिक वोलर फ्रेडरिक वोलर ठीक है डियर अब बात सुनो तो अपने आप में क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वाज यूरिया किससे बनाया गया था अमोनियम साइनेट से किसने बनाया था फ्रेडरिक वोलर ठीक है बेटा हो गया दूसरी बात और ये रिएक्शन याद कर लेना एन एस फोर टू आइस एसओ फोर प्लस के सी एन एस फोर सी लेकिन मेन बात जरूरी इसकी है ठीक है डियर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड Lab from its element, acid, by ठीक है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है ठीक नेक्स्ट हाँ अब सुनो अभी जो बात हमने करी क्या बात करी फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्जिलियस ठीक है हाँ यहां एक बात आप ध्यान करोगे कि कभी ये पूछ ले कि मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है तो

क्योंकि एनसीआरटी की बात है मीथेन इसको किसने बनाया था लोट तो ये थोरिटिकल बात हुई अब आगे और इंटरेस्टिंग मैटर पर चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है ओपन चेन और क्लोज चेन क्या है ओपन चेन क्लोज चेन अब ओपन चेन सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हम्म ठीक है बेटा क्लोज चेन होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक बोलो ठीक है अब सुनो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बन हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है सेचुरेटेड ओपन चेन व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डज नॉट अटैच टू ईच अदर दिस टाइप कंपाउंड व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डज नॉट अटैच टू ईच अदर सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इट मे बी ब्रांच और अनब्रांच क्लियर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इट आल्सो मे बी ब्रांच और अनब्रांच ठीक है डियर क्लोथ चेन हेलो क्लोथ चेन देखो व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अटैच टू ईच अदर ठीक है बना दिया ना इसे व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अटैच टू ईच अदर ठीक है ना ठीक है और यहां लिख दो कार्बन ग्रेटर देन थ्री कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री टू कार्बन के लिए वैलिड नहीं है होमोसाइक्लिक दिस टाइप रिंग बाय कार्बन हाइड्रोजन एंड हेट्रोसाइक्लिक दिस टाइप कंपाउंड कोई भी अदर एटम रिंग के अंदर आ जाए ऑक्सीजन आ जाए नाइट्रोजन आ जाए सल्फर आ जाए फॉस्फोरस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ठीक है डियर तो इसको इतना हो गया अब यहां पर सीधे आपसे सीधे क्वेश्चन हो सकता है विच इज हेट्रो विच इज हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड ठीक है ऑप्शन फ्यूरोन थायोफीन और फोर्थ ऑल जान बूझ के हमने लिखा है कि इसके स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है फ्यूरोन होता है बेटा दिस टाइप कंपाउंड थायोफीन दिस टाइप कंपाउंड पायरोल दिस टाइप कंपाउंड तो आंसर देखो रिंग के अंदर कोई भी अदर आइटम आ जाए ऑक्सीजन आ जाए नाइट्रोजन आ जाए सल्फर आ जाए ऑक्सीजन आ गया ना तो ये क्या हो गया हेट्रोसाइक्लिक ये भी क्या हो गया हेट्रो ये तो आंसर क्या हो गया फोर ठीक है तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के बारे में रिंग के अंदर कोई भी अदर एटम है तो क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक एक बात और नंबर ऑफ हेट्रो एटम पूछ ले कि नंबर ऑफ हेट्रो एटम कैसा है जिससे मान लो बेटा ये है उाउ मेनी हेट्रो एटम इन गिवेन कंपाउंड कितने हेट्रो एटम है वन टू ऑक्सीजन एनएच सल्फर कितने हेट्रो आइटम है थ्री तो रिंग के अंदर हम देखेंगे कितने रिंग के बाहर हमें देखने की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ हेट्रो आइटम तो रिंग के अंदर हमें देखना है कि कौन से अदर एटम है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तो यहां पर सल्फर नाइट्रोजन तो टू हो गए ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर थ्री हो गए क्लियर डियर? अब आते हैं फिर इस पे देखते हैं क्या कहा गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से इंटरेस्टिंग मैटर और अच्छा देर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी वेन लिखो वेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू वन कार्बन प्राइमरी वन डिग्री या इसको प्राइमरी वेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू वन कार्बन तो प्राइमरी वेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू टू कार्बन देन सेकेंडरी ठीक है वेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू थ्री कार्बन देन टर्सरी वेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू फोर कार्बन देन क्वार्टनरी फोर डिग्री कार्बन ठीक है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट देन वन डिग्री

सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच ये क्वेश्चन है अपना और हमें क्या बताना है इसमें वन डिग्री कार्बन बताना है टू डिग्री कार्बन बताना है थ्री डिग्री कार्बन बताना है फोर डिग्री कार्बन बताना है वन डिग्री हाइड्रोजन बताना है ठीक है डियर टू डिग्री हाइड्रोजन बताना है सही है थ्री डिग्री हाइड्रोजन बताना है फोर डिग्री हाइड्रोजन बताना है बोलो ठीक अब देखो इसके बाद देखो दिस कार्बन डायरेक्ट अटैच टू वन कार्बन देन इट इज वन डिग्री कार्बन डायरेक्ट अटैच टू वन वन डिग्री डायरेक्ट अटैच टू फोर कार्बन देन फोर डिग्री वन डायरेक्ट एडेस टू थ्री कार्बन वन डिग्री टू कार्बन और ओनली वन कार्बन देयर इज ओ एच ठीक है अब वन डिग्री कार्बन कितने हैं वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फोर्टीन ठीक है ये हाइड्रोजन की बात है यहां हाइड्रोजन हो गए इधर 14 ठीक है अब टू डिग्री कार्बन टू डिग्री कार्बन कितने हैं वन वन ही तो है एंड टू डिग्री हाइड्रोजन ये टू डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया टू इधर फोर्टीन रहेगा ठीक है ना फोर डिग्री कार्बन कितने हैं वन एंड देर इज नो हाइड्रोजन फोर डिग्री कार्बन डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन ठीक है तो फोर डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया जीरो थ्री डिग्री कार्बन वन थ्री डिग्री हाइड्रोजन दिस ठीक है थ्री कार्बन देन थ्री डिग्री फोर कार्बन देन फोर डिग्री बोलो बेटा ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन की बात हुई नेक्स्ट ये वही चीजें हैं हां यहां एक बात और है शानदार बात एमीन की बात करते हैं तो एमीन में कार्बन कितने कार्बन से अटैच है इसको कुछ भी नहीं देखना हमें अगर एन एस टू लगा है क्या लगा बेटा एनएस टू तो वो क्या होगा वन डिग्री एन एच है तो टू डिग्री एन है वो क्या होगा बेटा थ्री डिग्री जैसे आपसे कहा जाए सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री एनएस टू कौन सा एमीन है तो ये है वन डिग्री एमीन ये क्या है बेटा वन डिग्री एमीन सी एस थ्री एन एच ये क्या है डियर टू डिग्री ये क्या है थ्री डिग्री एमीन बोलो तो एनएस टू वन डिग्री एनएच टू डिग्री और एन है तो बेटा क्या हो गया थ्री डिग्री तो इसमें डायरेक्ट ऐसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए यू है तो इस कार्बन नहीं एनएस टू है एनएस टू है तो वन डिग्री क्या लिखोगे वन डिग्री एमीन इन है तो टू डिग्री एमीन एन है तो थ्री डिग्री एमीन ठीक है डी एफ कर लोगे काम अगले आते हैं वेरी गुड ये आपके सामने लिखा है क्या कॉन्सेप्ट है इसका इसमें बात क्वेश्चन जो अगर पूछ सकता है तो आपसे अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन ऐसी बातें कर सकता है तो देखना बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप है सी एस थ्री सी एस टू सीओ तो ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ। आगे होता तो क्या होता गामा लिखा हुआ सीधा ठीक है रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम आर डिजाइन बाय अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप ठीक है तो वही बात हमने लिख दी अब कोई कहे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा टू कहा जाए बीटा हाइड्रोजन कितने हैं थ्री ठीक है सपोज करो बेटा ऐसे लिखाओ सी एस थ्री सी ओ सी एस टू सी एस थ्री ठीक है तो ये क्या, ये क्या हुआ अल्फा ये क्या हुआ अल्फा ये क्या हुआ बीटा तो अल्फा हाइड्रोजन इज फाइव बीटा हाइड्रोजन इज थ्री ठीक है डियर, पहले इतने बात अपने कर ले ठीक है।, है क्योंकि दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में तो ठीक बगल तो यही तो है अल्फा अल्फा दिस इज बीटा ठीक है और बात इस पर कर लें, तो इधर देखना सी एस थ्री सी एस टू सी ओ सी एस टू सी एस थ्री तो ये बेटा क्या हुआ अल्फा के अल्फा ये बीटा ये बीटा देन अल्फा हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन इज फोर बीटा हाइड्रोजन इज सिक्स दिस इज क्लियर हो जाएगी बात हां तो अभी तक जो बात करी हमने फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट कोलबे, मीथेन, बर्थलॉट क्लियर इस क्वेश्चन यहीं से आना है तय है फिर हमने बात करी किस पे होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक रिंग हो सिंपल हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम आ जाए बेटा ठीक है तो वो क्या हो गया हेट्रोसाइक्लिक ठीक है नंबर ऑफ हेट्रो की बात कर ली फिर हम आ गए वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री कार्बन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू वन कार्बन वन डिग्री टू से टू डिग्री थ्री से थ्री डिग्री फोर से डायरेक्ट अटैच फोर डिग्री फोर डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा जीरो ठीक है उस पर क्वेश्चन फिर यहां बात करी किस पे क्या बात करी अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ऐसे पूछ ले तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है डियर नेक्स्ट चलते हैं हाँ यहां आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है ठीक है एटम आर ग्रुप ऑफ इज डिसाइड ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड एस्टर क्लोराइड एमआइड साइनाइड आइसोसाइनाइड ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं ये बताने की कोशिश सी एच ओ है सी ओ है ओ OH एच है एस एस है एनएस टू है ओ आर है इपॉक्सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बताया गया आपको एक ठीक है अब बात सुनो इस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आएंगे ठीक है देख लो मान लो ऐसे कोई कंपाउंड लिखा हो हाँ, एक बात और वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री मीन वन डिग्री टू डिग्री थ्री आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एन एस टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो एन एच दूसरा फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट है एन अलग है तो उसकी बात कर लेंगे अभी खैर चलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच ठीक है एन एच टू एन एच सीओ ठीक है ऐसे लगा दिया आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कहेगा कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन गिवन कंपाउंड देन डियर दिस सी एच ओ टू डिग्री एमीन मीन ओ एच कीटोन एसिड एनएस टू ईथर ऐसी बात आ सकती है इसलिए फंक्शनल का एक चार्ट आपके सामने रख दिया गया देख लिया आपने चार्ट हम्म ठीक है बोलो ये क्वेश्चन हुई गया नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप अब यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी रेडिकल की किसकी रेडिकल की

वाला। तो यहां से क्या हो गया मिथायच सिक्स है एच निकाल दिया तो ये क्या सी टू एच फाइव इसको क्या लिख दोगे इथाइल बोलो बेटा ठीक है इसको मिटाए हो गया अब एल्किन से टू एच तो क्या हो गया एलकाइली जैसे बेटा सी एच थ्री है और सी एच सी टू एस सी एस थ्री सी एस थ्री था अब यहां से टू एच निकाल दिया हमने तो इसको कहेंगे हम इथाइली डी ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है अब विसन हेलो जेम और विस देखिए इसको कहते हैं बेटा जेम एक ही कार्बन पर जब ग्रुप लगे होंगे उसको कहते हैं जेम अगल बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं विस ठीक है होगी बात जेम और विस अब सुनो अब अगल बगल वाले कार्बन से निकालते मान लीजिए ऐसे है सी एस थ्री सी एस थ्री टू एच निकाला सी एस टू सी टू ठीक है दिये? क्या लिखोगे इसको एलकाई लीन ठीक है एलकाईलीन हां टर्मिनल यहां से निकाल लिया तो इसको कहेंगे पॉली, पॉली मतलब अगर तीन है दो के लिए तो विस हो गया तीन है तो लिखेंगे ट्राई चार है तो टेट्रा पांच है तो पेंटा तो इसको लिखेंगे ट्राई मेथिलीन ठीक है ऐसे होता बेटा वन टू थ्री फोर यहां से H निकालने होते हैं। तो कितने कार्बन है फाइव तो लिखेंगे पेंटा क्या लिखेंगे पेंटा मैथिलीन आगे जो भी लगा हो फंक्शनल ग्रुप उसके बारे में बात कर लेंगे ठीक है थ्री एच निकला हो फ्रॉम सेम कार्बन देन उसको कहेंगे यहां तक उतना आता नहीं है यहां तक ही आपको ध्यान रखना है ठीक है तो लेकिन बता दिया गया क्या है थ्री एच फ्रॉम सेम कार्बन देन एलकाइली डाइन जैसे दो कार्बन है तो इथाइली डाइन तीन कार्बन है प्रोपाइली डाइन ठीक है ना एग्जाम्पल बता ही देते हैं ये है मारो बेटा सी एस थ्री सी एस टू सी ऐसे है तो लिखेंगे प्रोपाइली डाइन प्रोपाइली डाइन ठीक है अब आते हैं फिर बात हां यहां जिसे लिखा हुआ है ठीक है अब सुनो एक बात यहां सी एस थ्री तो लिख देंगे क्या मिथाइल सी टू एस फाइव इथाइल क्या हो जाएगा प्रोपाइल हां अब एक बात यहां देखना इसको हम लिखें तो ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे कोई ग्रुप लिखा हो इस टाइप की सिचुएशन आ रही हो ध्यान से सुनना इस टाइप की सिचुएशन अगर आ रही है तो हम लिखेंगे आइसो कितने कार्बन है वन टू थ्री आइसो प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल। मान लो बेटा ऐसे लिखा हो सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू यह सिचुएशन आ गई क्या लिखोगे आइसो वन टू थ्री फोर आइसो ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल ठीक है इधर आ जाओ हम्म अब देखना ब्यूटेन रेडिकल है सिंपल वन टू थ्री फोर ठीक है तो इसको लिखोगे ब्यूटाइल अब एक बात सुन लो बेटा हेलो ऐसे है कहीं देख रहे हो अब वो वाला ग्रुप तो है नहीं ये वाला ग्रुप होता है तब तो हम लिखते हैं क्या आईसो जैसे ये वाला है देखो सी एस थ्री सी एच खोल दिया हमने ऐसे सी एस टू अब आगे ना तो इसको तो लिखेंगे आइसो ये आते ही क्या लिखेंगे आइसो टोटल कार्बन वन टू थ्री फोर आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल आईसो ब्यूटाइल आई ठीक है डियर, आइसो ब्यूटाइल और इसकी बात अगर जो लो ये है अगर ऐसी सिचुएशन कहीं दे रखी हो क्या कह रहे हैं हम ऐसे दिया हो यहां लगा हो ऐसे लगा हो यहां लगा हो पांच के तो इसको लिखेंगे बेटा सेकेंडरी वन टू थ्री फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी पेंटाइल ठीक है सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी पेंटाइल ठीक है लेकिन ये वाला फिर कह रहे हैं दोबारा ये वाली चीज आ गई ये वाला आ गया मामला तो क्या लिखेंगे आइसो तो यही आइसो सेकेंडरी की बात है तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइल यहां सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि जितनी रेडिकल की जरूरत है ना आगे बहुत सारे और हैं उसकी जरूरत आपको बेटा नहीं है ये क्या है आइसो वन टू थ्री फोर आइसो ब्यूटाइल बिल्कुल अब एक बात और कार्बन लास्ट वाली बात कर रहे हैं इसकी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री अब कार्बन कितने कार्बन से अटैच है थ्री से तो इसको क्या लिखोगे टर क्या लिखोगे डियर टर मतलब टर्सरी वन टू थ्री फोर टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन थ्री कार्बन से अटैच है तो क्या लिखेंगे टर मतलब टर्सरी आगे ब्यूटाइल ठीक है डियर नेक्स्ट बात हा अब इसको क्या लिखा था मैथिलीन ठीक है इसको हां एक ही कार्बन से दो एच है तो इसको लिखेंगे इथाइली डी और ये अगल बगल वाले एच से रिप्लेस हुआ ना देखो तो ये हो गया इथाइलीन ठीक है इसको मैथिलीडीन भी बोल सकते हो मेथिलीन या मेथिलीन डीन दोनों बोल सकते हो ठीक है ना अब बात सुनो कि क्वेश्चन सर कैसे आएंगे एनसीआरटी में कैसे देखो जब सी एस थ्री सी एच सी एल तो इसका नाम लिखोगे इथाई ली डीन और क्लोराइड जैसे आ गया सी एस थ्री सी एच बी आर बी आर तो क्या लिख दोगे इथाइली ध्यान से सुनना ली डीन ब्रोमाइड आना होगा तो सीधे बेटा कट के आएगा सीधे एनसीईआरटी में इसको बहुत फोकस किया है तो इथाइलीडीन ब्रोमाइड देखो यहां पे इन है लेकिन कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है ये भी ध्यान रखना अगर यही ऐसे हो जाता हम्म सी एस टू सी एल टू सी तो इसको लिखेंगे अपने इथाइलीन लिखा था ना अभी अगल बगल वाले इथाइल लीन यहां लगा दोगे डाई बेटा उसमें डाई नहीं लगा लेकिन यहां डाई लगाओगे जैसे यही चीज ऐसे हो सी एस थ्री सी एच सी एल सी एस टू सी एल क्या लिखोगे -लीन, डाई क्लोराइड -लीन, डाई क्लोराइड ठीक है आगे चले ये समझ जाओ बात नेक्स्ट बात करते हैं हां अब सब इंपॉर्टेंट रेडिकल की बात करिए सुनो बेटा इसी की यूज आए ये हो गया आपका वेनाइल अभी इनका काम लगेगा सब हेलो इसी को बस इतना याद करना है बस और कुछ नहीं ये हो गया एलाइल जिसको एलिल ठीक है ना ये हो गया प्रोपर जाइल प्रोपर बेंजिल है सिंपल फेनिल ये देखो बेंजिल बेंजल और बेंजो बेंज़ल, बेंजो ठीक है अब देख बेटा लो सिंपल सी बात ऐसे लिखा हो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और आगे कर दे हम ओ OH. एच तो क्या लिखेंगे विनाइल ओ एच को क्या कहते हैं एल्कोहल एल्कोहल सी एस टू डबल बॉन्ड ठीक है ना रुक जाओ ये पहले नोट कर लिया हाँ अब देखो इसी पे लिखते हैं हम यहां हमने लगा दिया ओ एच क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ओ OH, एच ओ OH, एच हाँ ये तो फिनॉल हो जाएगा हाँ ये क्या हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा ठीक है ये क्या हो गया फिनोल ठीक है यहां देखो यहां ओ OH, एच तो क्या कहें देखो बेंजिल तो इसको देखो कैसे क्वेश्चन विनाइल आगे एल्कोहल एलाइल आगे बेटा क्या हो जाएगा एल्कोहल ठीक है डियर यहां देखो प्रोपेरजाइल आगे एल्कोहल फिनॉल और ये क्या हो गया बेंजिल एल्कोहल बेंजल एल्कोहल बेंजो एल्कोहल ठीक है बोलो चले आगे हा अब सुनो अब यहां कहा गया है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन एक्सेप्ट कीटोन ठीक है तो इसकी नेमिंग के लिए स्पेशल नेम कंसीडरिंग कार्बन इन कंपाउंड प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम तो ये कहते हैं सीधे ये कार्बन है यहां सफिक्स लिखा होगा यह देख रहे हो ना ये दो चीज देखो सी डब्ल्यू एच का सफिक्स क्या है e इसका e का 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 अभी बात कर लेते हैं ये हो गया सफिक्स ठीक है और इधर लिखा है आपका प्रीफिक्स एक सी सिक्स का भी और लिख देते हैं सी सिक्स को कहते हैं कैप्रो कैप्रो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीआर में इसका यूज है एनसीआर में इसको पूछता है इसलिए कैप्रो हमने लिख दिया है एक जगह है अगर जो ध्यान दिया होगा तो पॉलीमर चैप्टर में है एमिनो कैप्रोक एसिड नायलॉन टू नायलॉन सिक्स याद आ रहा है हाँ बेटा तो वहां पे है इसलिए सी सिक्स को लिख दो कैप इनकी जरूरत कहां पड़ेगी आपको नाम लिखना तो आना ही चाहिए ठीक है तो अब बात करते हैं रुक जाओ हम्म हम बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन गु� एक्सेट कीटोन, ठीक है तो C1 को कहते हैं फॉर्म C2 टू को एसिड सी थ्री को प्रोपियोन सी फोर ब्यूटाइल सी फाइव बेलर बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन देन एक्राइल, फोर विथ डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन क्रोटोन एंड सिक्स कार्बन इज कैप्रो ठीक है डियर अब बात करते हैं यहां पे है सफिक्स COH का सफिक्स है, एक एसिड इसका एक एनहाइड्राइड एनाइड्राइड एलकाइल इल क्लोराइड ओ नाइट्राइल ओ आइसोनाइट्राइल हो गया अब क्वेश्चन हेलो ये दोनों आपके सामने हैं सफिक्स भी है और उधर प्रिफिक्स ही, वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन इसको क्या कहते हैं ये भी है ठीक है तो अब देखते ये है एच सी ओ एच सिंपल सी कहानी ध्यान रखना यहां सी एच है सफिक्स का एक एसिड कितने कार्बन है इसमें वन कार्बन वन कार्बन के प्रिफिक्स फॉर्म ठीक है तो ये हो गया फॉर्म और सीएच का सफिक्स क्या है एक एसिड फॉर्मिक एसिड ऐसे आप किसी का ले लो यहां देखो ऐसे ले लिया सी एस थ्री सी एस टू सी एन ठीक है डियर कितने कार्बन है वन टू थ्री वन टू थ्री क्या लिखेंगे प्रोपियोन ओ नाइट्राइड प्रोपियोन ओ नाइट्राइल देख लो ठीक है कोई भी बात कर ले सी एस थ्री सी एस टू सी ओओ ठीक है वन टू थ्री प्रोपियोन आगे एक एसिड क्या हो गया प्रोपियोनिक एसिड ठीक है आगे सी एस थ्री सी एस टू सी ओ एन एस टू प्रोपियोन आगे एम प्रोपियोन एमाइड ठीक है आपके सामने सफिक्स है उधर प्रिफिक्स है जैसे इधर देखो बेटा हाँ यहां तक तो कर लोगे ये देखो अब यहां थोड़ा नया आपके सामने आ जाएगा थ्री कार्बन डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजिशन मान लो बेटा ऐसे है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे तो वन टू टू नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड ये तो कह रहा है सेकेंड कार्बन तो थ्री कार्बन हाँ थ्री कार्बन हम करते हैं पहले ये ऐसे कर दिया सी एच टू कर देते हैं यहां पे वन टू नंबर पे डबल बॉन्ड तो थ्री कार्बन के लिए क्या लिखोगे एक्रिल लिख दिया अब सीओ का सफिक्स ध्यान है क्या है एक एसिड तो एक्राइलिक एसिड एक्राइलिक एसिड ठीक है दिये? ऐसे फोर कार्बन की बात करें हम किसकी फोर कार्बन विद डबल बॉन्ड सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सीओ देख रहे हो वन टू थ्री फोर कार्बन तो इसके लिखोगे क्रोटोन एंड सीएच का सफिक्स क्या होगा इक एसिड क्रोटोनिक एसिड क्रोटोनिक एसिड ठीक है क्रोटोनिक एसिड करोगे काम ये हाँ अब एक छोटी सी एनहाइड्राइड के लिए देख लो हेलो सी एस थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एस थ्री ठीक है ना ये तो क्या है सिमेट्रिकल और सी एस थ्री सी एस टू सीएस थ्री सीओ सीओ ये है ये है अनसिमेट्रिकल क्यों इसको बीच से काटा है ऐसे तो जो चीज ऊपर है वही नीचे सिमेट्रिकल हो गया ये अलग देखो ऊपर सी एस थ्री नीचे क्या है एच है तो ये क्या हुआ अनसिमेट्रिकल सावधानी से नाम देखते हैं टोटल कार्बन बाई टू करेंगे सिमिट्रिकल का नाम लिखने के लिए टोटल कार्बन वन टू थ्री फोर फोर बाई टू क्या आया टू टू के लिए क्या लिखेंगे फोर सॉरी के लिए क्या लिखेंगे एसेट देखो टू के लिए क्या लिखेंगे एसेट तो लिख दिया हमने एसेट अब एनहाइड्राइड का सफिक्स यही तो है एनहाइड्राइड ये देखो सी डबल बॉन्डो ओ सीओ सी डबल बॉन्ड ओ सीओ तो इसको क्या लिखेंगे एक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड इसको देखो अनसिमेट्रिकल है तो इसको अलग लिखोगे इसको अलग लिखोगे तो टू कार्बन वन टू इसमें टोटल कार्बन बाई टू करना है इसमें नहीं करना है ठीक है ना तो टू के लिए क्या लिखेंगे एसिटिक एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मिक आगे एनहाइड्राइड एसिटिक फॉर्मिक एंड हाइड्राइट एसिटिक फॉर्मिक एंड बोलो क्लियर कर लोगे ठीक है, हाँ। एस्टर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सीएस थ्री गौर से देखो हेलो बेटा ओ सी एस थ्री तो ग्रुप अटैच टू ओ इज एज एलकाइल सी एस थ्री को क्या कहते हैं मिथाइल तो लिख दिया मिथाइल इसका काम हो गया ये खत्म अब कितने कार्बन है वन टू टू कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एसिड तो मिथाइल एसिड और इसका सफिक्स क्या है एट मिथाइल एसिट जैसे ये देखो सी एस थ्री सी एस टू सी ओ सी एस थ्री क्या हुआ मिथाइल कितने कार्बन है वन टू थ्री क्या लिखोगे प्रोपीओ नेट मिथाइल ट ठीक है डियर? इधर देखो ऐसे मान लो सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एस फाइव इथाइल वन टू कार्बन है क्या हो गया एसीटेट, इथाइल एसीटेट, क्लियर नेक्स्ट चलें, हाँ, अब यहां पे नाम दे दिया देख रहे हो कितने कार्बन है वन तो क्या लिखोगे फॉर्म फॉर्म लिख दिया वन कार्बन है अब सी एच ओ का सफिक्स देखो यहां से सी एच ओ का सफिक्स ठीक है अब देख लो ना ये चार्ट फॉर्म आगे क्या हो गया एल डी हाइड सी एस थ्री सीओ सी एल कितने कार्बन है वन टू क्या लिखोगे एसिड अब सीओ सी एल का सफिक्स यहां से देख लो देख लोगे ना सीओ एक्स क्या हो जाएगा ना इल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड ठीक है ये वन टू थ्री क्या हो गया ये लिख लिया ना फॉर्म एल्डिहाइड, एसिटिल क्लोराइड हम्म यहां बेटा क्या होगा वन टू थ्री प्रोपियोन एल्डिहाइड हां हा वन टू थ्री क्या लिखोगे इसको ओ सी एन का सफिक्स वहीं से देख लोगे बात समझ गए कहां से देखना है पीछे जाओ यहां देखो सी एन है क्या लिखा है ओ नाइट्राइल तो एक्रिल ओ नाइट्राइल ठीक है यहां पे ये देखो ऐसे लिखा है ये हम्म अभी कुछ देर पहले बताया था याद दिलाना हमें हेलो यहां एनसी देखो इसको क्या कहते हो आइसो बिल्कुल सही आइसो कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर आइसो ब्यूटायर रो नाइट्राइल ट्रायल आइसो ब्यूटायर ओ नाइट्राइल ट्रायल आइसो ब्यूटायरो आइसो नाइट्राइल क्योंकि देखो इसका देखो क्या लिखा है एनसी का एनसी का ओ आइसोनाइट्र तो वही चीज यहां लिख दी कर लोगे यहां देखो वन टू थ्री फोर फोर कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूटायर आगे एक एसिड ब्यूटायरिक एसिड यहां देखो क्या लिखोगे क्रोटोन आगे एल्डिहाइड क्रोटोन एल्डिहाइड क्रोटोन एल्डिहाइड है ठीक है कर लोगे काम नेक्स्ट हां फिर वही क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव पेंटायर ठीक आगे या या इसका नाम या वेलर लिख लिया और सीएच का सफिक्स क्या है एक एसिड पेंटायरिक एसिड या वेलरिक एसिड बोलो इसको फिर ऐसे खोल के लिखते हैं सी CH थ्री सी एच सी थ्री क्यों डियर आगे है सी COOH टू सी ओ एच तो ये ग्रुप आते ही क्या लिखोगे आईसो वन टू थ्री फोर फाइव आईसो पेंटायरिक एसिड या 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 बोलो या क्या लिख सकते हो आईसो वेलरिक एसिड वेरी गुड ठीक है ना यहां देखो वन टू क्या लिखोगे नाम इथेन सॉरी इथेन नहीं टू कार्बन है ना एसिट आगे एमाइड क्योंकि देखो सीओन एस टू का सफिक्स क्या है वही लिखा हो जो चार्ट में चले जाओगे यहां ये यह, यहां हा ये यह तो कार्बन के नंबर दिए हो तो क्या लिखोगे स्पेशल नेम कंसिडरिंग कंपाउंड है ये वन कार्बन फॉर्म टू ग्ल ये और ये है आपका सफिक्स दोनों को अपने को क्या करना है एड करना है क्वेश्चन कहां थे अपने ये हो गया यहां थे तो वन टू एसिड एमाइड इसको देखो एन से क्या अटैच है तो वन टू तो हो गया एसिट आगे एमाइड एन और एन से जुड़ा है तो यहां लिख देंगे एन मेथिल एसिट एमाइड इसी तरह से बेटा ये देखो सी एस थ्री ठीक है सी एस थ्री देखना इसको क्या लिखा है सी एस थ्री सी एस थ्री लिखा ना और यहां है C डबल बॉन्ड O N सी एस थ्री सी एस थ्री इस वाले इस वाले को हमने ऐसे खोल दिया सी एस थ्री सीओ एन सी एस थ्री सी एस थ्री क्लियर अब देखो N पे क्या जुड़ा है N N क्या जुड़ा है N पे सी एस थ्री तो एन एन डाई मैथिल ठीक है क्या लिखोगे एन एन डाई मेथिल अब कितने कार्बन वन टू ए सिट आगे एमाइड ठीक है ठीक है हो गया इसकी बात हेलो इसको भी अभी किया हमने ये है इसको ऐसे लिख लिया सी एस थ्री सीओ सीओ सी एस थ्री इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको सिमेट्रिकल है टोटल कार्बन फोर बाई टू अभी लिखा था ना क्या हो गया एसेट एसिट तो इसका नाम क्या लिखो टू कार्बन हो गया तो टू कार्बन की क्या लिखोगे एसिट तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटिक आगे एनहाइड्राइड अभी लिखा गया था ये एस्टर वाली बात हाँ, तो यहां पे हम R को मान लेते हैं सीएस थ्री ठीक है तो सी टू एस फाइव सी ओ सी थ्री तो क्या लिख दोगे मैथिल O से जो ग्रुप अटैच उसको लिख दिया मैथिल इधर कितने कार्बन एक दो तीन प्रोपियो नेट मैथिल प्रोपियोनेट ठीक है बेटा चलते हैं आगे हाँ अब कहा गया है नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन कार्बन ठीक है इसमें लिया गया आपका ओ एच एमीन वन डिग्री एनएच टू एन एच था थायो एल्कोहल ईथर ईथर सल्फोनिक एसिड नाइट्राइड्स कीटोन ये सब है ओ एच एल्कोहल है एस एच था एल्कोहल है एक्स फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन O है ईथर एक्स थायोईथर सीओ कीटोन ओ एन ओ नाइट्राइट ठीक है ना तो हम अब उसका नाम लिखने जा रहे हैं जिसके फंक्शनल रूप में क्या है कार्बन है ठीक है जिसके फंक्शनल रूप में कार्बन नहीं है बात हो गई इधर नहीं ये यहां आ गए अपने जा, ठीक है ना अब सुनो ये आपका पूरा सिस्टम यहां लिखा हुआ है अब सुनो बेटा जितनी बातें हम लोगों ने करी ये लिख लिया नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन कार्बन इंक्लूडिंग कीटोन तो चलो बात बात करते हैं एक दो की चलो ये तो है एग्जाम्पल इसके पहले बात कर लेते हैं हा एकदम फाइनली बात सुन फाइनल थ्री है तो हम क्या लिखते थे मैथिल ध्यान से सुनना तो सी टू एस फाइव है तो एथिल सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री इस टाइप की सिचुएशन है तो क्या लिखोगे आइसो और टोटल कार्बन गिन लेना प्रोपाइल सी टू डबल बॉन्ड सी एच है तो विनाइल फिर दोबारा हम लिख रहे हैं उस बात को सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू क्या हो गया एल आई ठीक है बोलो अब सुनो इसको सामने हो गया आपके अब सुना अब सुनना बेटा यहां है हां ओ है इसको कहते हैं ईथर अब सी टू एस फाइव कितनी बार है टू टाइम्स तो लिखोगे डाई मिथाइल हां मान लो बेटा ऐसे होता सी टू एस फाइव ओ सी एस थ्री ठीक है तो क्या लिखोगे इथाइल मिथाइल ईथर समझ के बात इसको लिख दिया इथाइल ये मिथाइल और लास्ट में क्या लिख दिया ईथर ये देखो बेटा ये क्या है एलाइल यह क्या है विनाइल तो एलाइल विनाइल ईथर ऐसे देखो इसको हम ऐसे लिख दिए बोलो तो इसको क्या कहते हैं आइसो वन टू थ्री प्रोपाइल एल्कोहल आइसो प्रोपाइल एल्कोहल ठीक है ये देखो मिटा दें इसको नोट कर लिया आइसो प्रोपाइल एल्कोहल इधर देखना सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच क्या हो गया विनाइल एल्कोहल, ये देखो ये पूरा ग्रुप है तो इसको लिख दिया एलाइल आगे एल्कोहल, इसको देखो ओ एच ओ एच इसका नाम इथिलीन ग्लाइकॉल इसका एक स्पेशल नाम ध्यान रखना इसको डाइड्रिक्सो नोन एज ग्लाइकॉल तो इसका नाम लिख लो ये ध्यान, याद भी रखना ग्लाइकॉल। ठीक है? बोलो, हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल क्लियर ये लाइन देख लो फंक्शनल ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल नोन एज ग्लाइकॉल ठीक है नेक्स्ट बात करें हाँ और देखो ये क्या है इथाइल तो यहां लिख दिया इथाइल आगे एमीन हा डाई मिथाइल आगे एमीन हाँ अब देखो तीन कार्बन सेटैस था याद करो हाँ. तो रिवाइज करा रहे हैं तुम्हें इधर देखो ऐसे था तो हमने क्या लिखा था टर्फ टर्सरी तो यहां एनएस टू है तो क्या लिखोगे टर कितने कार्बन वन टू थ्री फोर चार है तो क्या लिखोगे ब्यूटाइल आगे एमिन टर ब्यूटाइल एमिन ठीक है बेटा इधर देखो इधर क्या लिखा है इथाइल इधर क्या लिखा है मिथाइल तो पहले लिख दोगे इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले इथाइल मिथाइल एनएच क्या है एमिन है एनएच क्या है एमिन है तो इथाइल मिथाइल एमिन ऐसे लिखा हो बेटा सी टू एच फाइव एन एच सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव कितनी बार है दो बार है डाई इथाइल और आगे एमिन डाई इथाइल एमिन सी एस्त्री सीओ सी एस्त्री हम्म. यही ये, ये।, ये क्या है मिथाइल कितनी बार है दो बार डाई मिथाइल आगे कीटोन डाई मिथाइल कीटोन ऐसे लिखा हो सी टू एच फाइव सीओ सी एस थ्री इथाइल मिथाइल कीटोन इथाइल मिथाइल कीटोन क्लियर है तो एक एग्जांपल और दे के बात कर ली गई हाँ. ये आपका हां नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कैन बी रिटेन इन एब टू वेज ये टू वेज कैसे देखो सी टू एस फाइव से हम दो एग्जाम्पल लेते हैं इसको पहले एक सिंपल सा लिखते हैं सी एस थ्री सी एन डी तो फंक्शन ऑफ कंटेनिंग कार्बन में कितने कार्बन है वन टू क्या लिखोगे एसिट ओ नाइट्राइल एसिड ओ नाइट्राइल एक बात ये हो या सीएस थ्री सी एन इसको मिथाइल और CN को क्या कहते हैं साइनाइड तो क्या नाम लिख सकते हैं मिथाइल साइनाइड बोलो जैसे ये है सी टू एच फाइव सी एन बोलो क्या नाम लिख सकते हो इथाइल साइनाइड या वन टू थ्री प्रोपेन नाइट्राइल प्रोपेन नाइट्राइल बोलो प्रोपेन नाइट्राइल ठीक है बोलो चले हम्म तो ये देखो फाइनल बात आप ध्यान से देखो नाम तो लिख दिया हम हमने काम किया फंक्शनल कंटेनिंग कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डज नॉट कंटेन कार्बन कंटेनिंग कार्बन में आपको क्या याद रखना है सी वन को फॉर्म सी टू को एसिड सी थ्री प्रोपियोन सी फोर ब्यूटायर सी फाइव पेंटायर और वेलर सी सिक्स कैप्रो कैप्रो मतलब

एस को क्या लिखते हैं थायो ईथर ओ था तो हमने लिखा था डाई मिथाइल इथर तो ये क्या हो जाएगा डाई मिथाइल थायो ठीक है बोलो हो गई बात तो ये ऐसे नाम फिर हमने उसके एग्जांपल सी टू एस फाइव सी एन को इथाइल साइनाइड भी लिख सकते हैं और प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं तो ये बात हुई अब बात हाँ एक क्राउन ईथर की बात जैसे इस टाइप का है नाम क्योंकि आते हैं ये एग्जाम बेटा हेलो ऐसा कोई कंपाउंड है वो कहा जाए कि इसका कॉमन नेम लिखना है क्या डियर कॉमन नेम तो टोटल कार्बन ऑक्सीजन आप लेना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व क्या लिख दोगे ट्वेल्व आगे क्या लगाओगे क्राउन ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर ट्वेल्व क्राउन फोर ठीक है कोई और एग्जाम्पल ले लो सर देखो बेटा दो दो चार टोटल कार्बन ऑक्सीजन अट्ठारह क्राउन सिक्स देखो सिक्स हाइड ऑक्सीजन है तो वो लिख दिया और टोटल कार्बन ऑक्सीजन कितना है एटीन तो एटीन क्राउन सिक्स एटीन क्राउन सिक्स बोल भाई अब आगे बात किसकी डिराइव नेम की ध्यान से सुनना डिराइव नेम जितनी बात करी गई उतने पे काम करना पहले तो ध्यान रखो एल्केन का फादर कौन है मीथेन एल्किन का कौन है इथाइलिन ठीक है एल्कोहल का क्या है एल्काइन का क्या है एसिचलीन एल्कोहल का क्या है कार्बिनोल इसका क्या है एस्टल डिहाइड और इसका क्या है एसिड ठीक है पहले तो पेरेंट सब नेम सबके पेरेंट नेम ध्यान रखो और पेरेंट नेम सुनो इधर हो गया एलकेन का पेरेंट कौन है मीथेन एल्कीन का इथाइलिन एल्काइन का एसिटिलीन एल्कोहल का एल्कोहल का कार्बिनॉल और एक कार्बन ओएच -OH को क्या कहते हैं कार्बिनॉल एक कार्बन ओएच -OH है उसको कार्बिनॉल एक कार्बन ओएच -OH कार्बिनॉल एक कार्बन सीएचओ है तब एस्टल्डिहाइड एक कार्बन सीओएच -OH है तो एस्टिक एसिड ठीक है डियर बोलो तो बात यहां पे आते हैं सिंपल एलकेन सुनो अब इसमें हां पेरेंट उसी को मानोगे जिसमें हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा कम जैसे सिंपल सी हम पहले एलकेन का लिखना है हाँ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ बेटा हम की बात कर रहे हैं फिर इसके एग्जाम एलकेन है पेरेंट इसका क्या है मीथेन पेरेंट क्या है मीथेन जैसे सी एस थ्री है सीएस थ्री तो पेरेंट पहले लिख लोगे क्या है मीथेन। मीथेन हो गया। और उस गैरेंट के अलावा क्या है मिथाइल तो ये क्या हो गया मिथाइल मीथेन। बोलो मान लो बेटा ऐसा होता सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री क्या लिखोगे डाई मिथाइल आगे आगे क्या लिखोगे मीथेन। डाई मिथाइल मीथेन बोलो डाई मिथाइल मीथेन ऐसे बेटा होता है रुको पेरेंट उसी मानोगे जिसमें हाइड्रोजन क्या हो कम जैसे ये है CS3, CH, CS3, CS3. दिख रहा है ये हो गया पेरेंट तो इसके आराम से लिख दिया मीथेन वन टू थ्री क्या लिखोगे ट्राई मिथाइल क्या लिख दिया ट्राई मिथाइल मीथेन बोलो क्या लिख दिया ट्राई मिथाइल मीथेन इसका देखो ये हैं। कितनी बार है फोर टाइम्स है पेरेंट कौन पहले तो पेरेंट ये हो गया पेरेंट तो इसको तो आराम से लिख दिया मीथेन हम कौन सा नाम लिख रहे हैं डेराइव नेम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं डेराइव नेम ठीक है कितनी बार है चार बार है टेट्रा मेथिल मीथेन टेट्रा मेथिल मीथेन ठीक है तो ये हो गया आपका एलकेन का डराइव नेम इतने ही ध्यान रखना आपको ज्यादा हर चीज को कवर किया जा रहा है और एक बहुत अब इसमें आपके कॉमन एक नेक्स्ट क्लास में आईपीसी और होमोलोगस की बात हो जाएगी फिर आइसोमेरिज्म की बात हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा इसमें इसीलिए यहां पे लिख के भी साथ चल रहा है कि आप उसको आराम से देख सको तो एलकेन जैसे ये वाला है क्वेश्चन एलकेन का सी थ्री है सी एच सी थ्री सी थ्री यही तो है और हमें क्या बताना है इसका डिराइव नेम बताना है तो ये तो हो गया पेरेंट तो लिख दिया मीथेन अभी लिखा था इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार है सी थ्री तीन बार है ट्राई मेथिल मीथेन ठीक है बोलो अब मान लो इथाइलिन है ए, एल्कीन है एल्कीन का पेरेंट पीछे देखना क्या लिखा है इथाइलिन देखो एल्किन का पेरेंट क्या है इथाइलिन ठीक है तो सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू ठीक है ना ये तो हो गया पेरेंट तो इसका क्या लिख दिया इथाइलिन मेथिल इथाइलिन जैसे मान लो बेटा ये हो सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस पेरेंट कौन हुआ तो पेरेंट तो यही हुआ क्या लिखोगे डाई मैथिल इथाई लीन सिंपल सी कहानी करनी भाई हेलो देख बेटा और देखो सीएस थ्री है सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एस थ्री सीएस थ्री बोलो बेटा ये तो क्या है ये क्या है इथाइलिन अब सीएस थ्री कितनी बार है फोर टाइम्स तो टेट्रा मैथिल इथाइलिन टेट्रामेथिल इथाइल, टेट्रामेथिल इथाइजिन ठीक है आ जाओ तो एल्कीन का ये नाम हो गया एल्कीन का क्या नाम लिखोगे मिथाइल इथाइलीन ठीक है <coughs> मिथाइल इथाइलीन अब आ जाओ बात इधर एसी टिलीन, टिलीन। पेरेंट हां एलकाइन एलकाइन पीछे पेरेंट क्या दे रखा है acetylene. ठीक है पेरेंट क्या है क्या एसीटिल जैसे सिंपल सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच देख लो बेटा हेलो ये वाला एग्जांपल लिया क्या लिख दिया मैथिल आगे एसी मान लो ये होता सपोज कर ये होता सी टू एस फाइव सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच क्या हो जाएगा एथिल एसिटिलीन एथिल एसिटिलीन ठीक है एल्कोहल एक कार्बन ओ एच है उसी को क्या कहोगे कार्बिनॉल तो यही क्या हो गया पेरेंट जैसे ये वाला एग्जांपल देख रहे हो तो इसको लिखोगे मैथिल कार्बिनॉल ये सब बीच बीच में स्टेप में दिए जाएंगे ठीक है ना जैसे ये है सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री ओ एच इसको क्या कहते हैं कार्बिनोल अब सी एस थ्री कितनी बार है दो बार है तो डाई मेथिल कार्बिनोल डाई मेथिल कार्बिनॉल ये देखो यही है सी एस थ्री है सी एच सी टू एच फाइव और यहां क्या है बेटा ओ OH. एच देख रहे हो <coughs> क्या इसका नाम लिखोगे ये तो हो गया आपका कार्बिनॉल एथिल मेथिल कार्बिनोल एथिल मेथिल कार्बिनोल ये एस्टल डिहाइड एल है एक कार्बन सीएचओ को क्या कहेंगे एस्टल डिहाइड तो ये हो गया एस्टल डिहाइड क्या लिखोगे मेथिल एसिटल डिहाइड सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच ओ देख रहे हो ट्राई मेथिल देख रहे हो तीन बार है सीएस थ्री ट्राई मेथिल एसिटल डिहाइड देख रहे हो ये देखो सीएस थ्री सी एच सी एस थ्री को बढ़िया से आराम से एग्जाम्पल एक कार्बन सी एच ओ बेटा क्या लिखोगे एस्टल डिहाइड ठीक है तो डाई मेथिल एसिटल डिहाइड आसान से एकदम इधर देखो बेटा एक कार्बन सीओएच को क्या कहेंगे एसटिक एसिड देख रहे हो मेथिल एसिटिक एसिड एसेट। बोलो बोलो क्लियर बात है इसी को हम ऐसे लिख लेते सीएस थ्री सी एच सी एस थ्री सीओ एच देख लो बेटा तो एक कार्बन सीओ एच क्या हो गया एस्टिक एसिड तो दो है तो डाई मैथिल एसिटिक एसिड एसेट। डाई मैथिल एसिटिक एसिड एसेट। एसेट। बोलो क्लियर है बात तो इस पे नाम हो गए अब बात सुनो तो बात कौन सा आपका मेन काम हां इधर

डिग्री डायरेक्ट एडेस टू थ्री कार्बन थ्री डिग्री डायरेक्ट एडस टू फोर कार्बन फोर डिग्री एंड हाइड्रोजन एट वन डिग्री टू डिग्री फोर डिग्री कार्बन इज फोर डिग्री हाइड्रोजन आपके सामने एग्जाम्पल करी फिर अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वही क्या हो गया अल्फा हाइड्रोजन ठीक है डेयर फिर बात हमने करी किस पे फंक्शनल ग्रुप एक और से बता दी हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ठीक है फिर बात करी किसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन तो उसके लिए बेटा वही चीज आपको पार्ट याद रखनी है C1, C2, C3 इसको क्या करें वन कार्बन है हा? वन कार्बन है तो फॉर्म टू कार्बन है तो एसिड थ्री कार्बन है प्रोपियोन ऐसे आपको छह कार्बन तक वो थ्री कार्बन डबल बॉन्ड सेकेंड पोजिशन पे एक्राइल फोर कार्बन डबल बॉन्ड सेकेंड पोजिशन पे क्रोटोन ठीक है फिर बात करी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डज नॉट कंटेन कार्बन ठीक है एल्कोहल है है उसके सबके एग्जाम्पल करा दिए क्लियर अब जैसे सब पे बात मान लो ऐसे है ओ OH एच को क्या कहते हैं एल्कोहल सीएल को क्लोराइड एस एच को थाहल ठीक है एस एच को थाहल सी डबल बॉन्ड है उसको कीटोन लेंगे हा फिर क्राउन इथर की एक बात कर ली किसकी बात कर ली क्राउन इथर की बोलो ठीक है अब इसको हटाते हैं अब ये हो गया अब कैसा क्वेश्चन आया है उसके बारे में देखते हैं हम्म, ये शानदार सा क्वेश्चन एक कॉमन नेम पे आया हुआ है और बीच बीच में इसके नाम नीट 2013 सिंपल सी कहानी है क्या कहा है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेटा हेलो हमने क्या कहा इस टाइप का कुछ देखो हेलो इस टाइप का कुछ देखो तो क्या कह देना ये बात तो कही। एक दो क्वेश्चन शानदार वाला ठीक है तो इस टाइप की सिचुएशन इसमें कहीं है नहीं है और फिर कार्बन तो गिनना है आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल कुछ भी पूछ सकता ना यहां कहीं इस टाइप का ग्रुप है नहीं है यहां तो तीन कार्बन आ गए यहां नहीं है यहां देखो आ गया ना तो इसी का नाम आइसो कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर आइसो ब्यूटाइल देख लो तो आंसर इज थॉट बोलो क्लियर है बात तो और इसमें जो जो क्वेश्चन पूछेंगे इसमें अभी तक में तो एक ही है कॉमन नेम पे क्वेश्चन पूछा गया है. लेकिन बीच बीच में इसके नाम दिए जाएंगे जैसे बेटा टेमाइड तो है। है? क्या? क्या और उसको फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे अपने ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आई और होमोलोगस सीरीज इसमें थोड़ा सा ये पहला लेक्चर है तो इसमें नॉर्मली है कॉमन नेम है फंक्शन uh, जितना बताया गया उतना ही करना उतने काम में आपका हो जाएगा एनसीआर की बात और फिर जो जो है तो बीच बीच में नाम बता के उसको आगे प्रोसीड करते रहेंगे ठीक है डियर तो आराम से इसको कहीं भी वीडियो पोज करके एक बार आराम से सुन लो इसको देख सकते हो अपना थ्योरी लिखी है वो भी बात है आपके सामने पीपीटी बनी हुई है कहीं भी इस क्वेश्चन को नोट किया आगे बढ़ गए ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे होमोलोगस सीरीज एंड आई यू पी एस सी नेम के ठीक है ठीक है डेयर थैंक यू